सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे आप यूज़ कर सकते हो Django ORM, और बाय द वे आपको वही कोड आपको views.py में लिखना है। सो जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बाय द वे Django ORM बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज इट। सो इन दिस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बनता है एडमिन सेक्शन और वॉट इज एडमिन सेक्शन। सो मॉर्निंग गाइस, वेलकम वंस अगेन, वेलकम टू KCP एंड वेलकम टू दिस Django सेक्शन 2 सीरीज, वेलकम बैक। ओके नाउ एडमिन सेक्शन, बाय द वे ये Django अब बहुत बड़ा फीचर Django प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस में आपका जो भी डेटाबेस है आप उसके सारे टेबल्स देख सकते हो कहाँ पे एडमिन सेक्शन में, विच इज दिस हियर Django का डेटाबेस। ओके इसमें जितने भी टेबल्स हैं आप एक ही जगह देख सकते हो, उसमें सारी फील्ड्स देख सकते हो और उसमें सारे ऑपरेशंस लगा सकते हो, विच इज क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। और जैसे नाम से ही पता चलता है एडमिन मीन्स आप किसी अभी डेटा मॉडिफाई कर सकते हो। ओके सो कैसे एडमिन सेक्शन को सेट करें। ओके तो सबसे पहले आपको अपना सर्वर स्टार्ट करना है। मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पाइथन manage.py run server। ओके और यहाँ पे डालता हूँ लोकल होस्ट कोलन 8000 देन फॉरवर्ड स्लैश। ओके तो क्योंकि हमने अभी एक भी URL रजिस्टर्ड नहीं किया इसलिए वो दिखा रहा है Django का मेन पेज, विच इज़ होम पेज बाय डिफॉल्ट। ओके यहाँ पे एक वो है ट्रिक, अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश दबा के गलत URL डालता हूँ तो Django ऑटोमेटिक में उस सजेशन देता है और ये Django का पेज है, पेज नॉट फाउंड। ओके तो यहाँ पे सिर्फ एक सजेशन आ रहा है एडमिन, विच इज एडमिन फॉरवर्ड स्लैश, और ये सजेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे URLs आपके मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के URLs.py में ये सजेशन है। अगर मैं आप कुछ और लिख दूँ यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। ओके सो ये जो एक URL प्रोवाइड करता है दिस इज योर एडमिन सेक्शन, वो कहता है आपका URL मैच नहीं हुआ है, सिर्फ जो सजेशन मैं दे रहा हूँ यही URLs आप यहाँ डाल सकते हो। तो हम डालते हैं एडमिन फॉरवर्ड स्लैश और देखते हैं दिस इज आवर लॉगिन पेज, ये हमारा एडमिन सेक्शन है और यूजर नेम पासवर्ड आपको कैसे डालना है हर बार आपको यही करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे इन माइग्रेशंस मैंने बताया। तो यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाएं। ओके तो सबसे पहले आपको सर्वर को करना है क्लोज, आपको रीडायरेक्ट करना है वहाँ पे, नेविगेट करना है जहाँ manage.py है और आपको लिखना है पाइथन, वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसलिए पाइथन manage.py अदरवाइज पाइथन 3 लिखता। और अगर आप यहाँ पे भी वो है ट्रिक एंटर दबाते हो तो ये ऑटोमेटिक सजेशंस देता है, जैसे कि मेक माइग्रेशंस हमने देखा था लास्ट वीडियो में दिस एंड माइग्रेट देखा था। ओके सो यहाँ पे एक चीज़ और है विच इज़ जस्ट अ सेकेंड, क्रिएट सुपर यूज़र, और ये ऑथ सेक्शन में आता है। ऑथ मीन्स ऑथेंटिकेशन और इससे पता चलता है ये लॉगिन रिलेटेड समथिंग है। ओके सो क्रिएट सुपर यूज़र ये कमांड हमें डालना है कहाँ पे, manage.py के आगे। सब कमांड्स का मतलब होता है ये कमांड है यूज अ सब कमांड है जो हम आगे देते हैं। ओके सो ऊपर जाता हूँ मैं, सब नॉट सब कमांड बट क्रिएट सुपर यूजर। ओके और सब लोअर केस में रहेगा। नाउ रिस्पॉन्स कर रहा है ये बोल रहा है यूजर नेम, इसने बोला है अगर आप इसको खाली छोड़ते हो सीधा एंटर दबाते हो तो मैं एक कंप्यूटर से यूजर नेम उठा लूँगा, बट नहीं मैं यहाँ पे एंड में डालूँगा ऑलरेडी टेकन। सो मैं यहाँ कोई और सा डालता हूँ, प्रोसेस डालता हूँ, एंटर दबाता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंटर। बोलना है पासवर्ड बहुत छोटा है, सिर्फ न्यूमेरिक है बट टेस्टिंग के लिए ये सही है। एंटर, सक्सेसफुली क्रिएटेड सुपर यूजर। ओके नाउ सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा अदरवाइज वेबसाइट एरर देगी। लिखना है प्रोसेस, पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5 6 देन एंटर। ओके सो नेवर
ओके सो यहाँ पे दो हमें दो टेबल्स दिख रहे हैं, ऐसे ही टेबल्स दिखते हैं यहाँ पे एडमिन साइड में, और एडमिन साइड का यही लोग है वेलकम के साथ, जो भी लॉगिन है उसका यहाँ पे यूजर नेम दिखता है, आप लॉग आउट कर सकते हो, आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ओके सो बैक, ओके सो यहाँ पे ये जो दो डिफॉल्ट टेबल्स आ रही है, रिमेंबर फर्स्ट माइग्रेंट कमांड, कितने सारे ऑपरेशंस आए थे, वो ऑपरेशंस या ये आए थे, ये वो टेबल्स बनी है, और ये टेबल्स हमारा काम आसान करने के लिए बनी है। यहाँ मैं अपना यूज़र नेम दे सकता हूँ, ओके मेरा ए एडमिन और है यहाँ पे, और ये जो चीज़ है स्टाफ स्टेटस, इसका मतलब यस ये एडमिन है, ये कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी अभी डेटा मॉडिफाई कर सकता है। ओके सो इसको मैं आगे इन वीडियोस में बताऊंगा। नाउ मैंने कहा था आप डेटाबेस में, वेयर इज आवर डेटाबेस, ये है हमारा डेटाबेस क्लोज, ये हमारा डेटाबेस विच इज़ DBSQLite3, इसमें जितने भी टेबल्स बनेंगे, ये हमारे प्रोजेक्ट का डेटाबेस है इसीलिए ये स्पेशल है, इसमें जितने भी टेबल्स बनेंगे आप देख सकते हैं हमारे एडमिन सेक्शन में। ओके सो हमारा एक टेबल तो बना है इसमें विच इज़ इन्फो, बट ये टेबल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बिकॉज स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर वन था पासवर्ड बनाना, स्टेप नंबर टू आपको इस टेबल को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आपका जो ऐप फोल्डर है, ये मेरा ऐप फोल्डर है, यहाँ पे 100% एक फाइल होगी models.py के साथ विच इज़ admin.py। ओके सो ये models.py है, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ राइट हैंड साइड, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके सो यहाँ पे राइट हैंड साइड है admin.py और लेफ्ट हैंड साइड है models.py। ओके सेम फोल्डर में है, आपको क्या करना है, इस क्लास को यहाँ रजिस्टर्ड करवाना है। कैसे रजिस्टर्ड होगा, आपको सिर्फ लिखना है एडमिन, ये कमांड स्टार्टिंग से दिया गया है क्योंकि हमें एडमिन इम्पोर्ट ना करना पड़े, साइट डॉट रजिस्टर, बस यहाँ पे आपको सिर्फ ही क्लास पास कर देनी है विच इज़ दिस। तो सबसे पहले तो ये सिंटेक्स एरर देगा, बोलेगा इन्फो नॉट डिफाइंड, ओके या फिर आप इसको कोट्स में लिखो, बट कोट्स में हमें नहीं लिखना है, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल से। सो इंपोर्ट कैसे करते हैं, फ्रॉम यहाँ पे आएगा पाथ, पाथ इंपोर्ट, और यहाँ पे आएगा क्लास का नाम, ओके क्लास नेम। नाउ पाथ की जगह दोनों जो ई करेंट फोल्डर में है सीधा मैं डाल सकता हूँ मॉडल्स, ओके क्योंकि एडमिन डॉट पी वाई भी सेम ही फोल्डर में है और मॉडल्स डॉट पी वाई भी सेम फोल्डर में है, तो सीधा फाइल का नाम इम्पोर्ट। नाउ क्लास का नाम क्या है, इन्फो, ओके सो डिलीट कैपिटल सेम कैपिटल आई इन्फो, नाउ कंट्रोल एस क्लोज, रीस्टार्ट द सर्वर, ओके मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम मॉडल्स, ओके लाइन नंबर टू एडमिन में एरर आया है, ओके सो जस्ट अ सेकेंड ओपन एडमिन, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ तो कंट्रोल एस, ओके सो ये चल गया। ओके सो डॉट यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि हम करेंट वर्किंग डायरेक्टरी से मॉडल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट मॉडल्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मॉडल्स डॉट इन्फो, ओके यहाँ पे आप पास करा सकते हो ये, बट इट्स ओके फॉर नाउ, प्लीज डिलीट, सर्वर हो गया रीस्टार्ट, अब मैं सिर्फ रिफ्रेश करना है, और यहाँ पे जो आपको दिखा है विच इज दिस, ये आया है हमारे रजिस्ट्रेशन की वजह से। ओके सो जब भी टेबल बनाओ ऑब्वियसली माइग्रेट के बाद ही आएगा, माइग्रेट उसके बाद उसको एडमिन सेक्शन में admins.py में रजिस्टर्ड करो, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ देखेगा ऐप का नाम, ओके फिर यहाँ आएगा टेबल का नाम, पॉइंट टू बी रोटेट एस वो बाय डिफॉल्ट लगाता है उसका बिहेवियर है। ओके सो अवेयर आपको जब भी आप टेबल बनाते हो models.py में, models.py में टेबल बनाने का मतलब है क्लास बनाना, यहाँ पे आप एस ना लगाओ। ओके सो मैं जाता हूँ क्लिक करता हूँ, ओके सो यहाँ पे आया इन्फो ऑब्जेक्ट वन, मतलब एक डेटा रजिस्टर्ड है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये जो ये आपको हमेशा करना है डंडर स्ट्रिंग लगाना है यहाँ पे ताकि वो डेटा अच्छा दिखाए वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, आप कौन सा डेटा वहाँ पे दिखाना चाहते हो विच इज़
This is again, which is here, false data they are not channel. By the way, आप तीन data they are सकते हो, first name, last name, age. तो थोड़ा dynamic हो जाता है. तो मैं दिखाना चाहूँगा first underscore name, control S. Then refresh. Okay, so यहाँ प्रतीक का data दिखा है. आप चाहो तो इसको modify भी कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा सा भी basic Python आता है, मैं इसको string में convert कर रहा हूँ और dot then this then plus ये कुछ नहीं, ये सिर्फ concatenation है python में. आप दो string को जोड़ते हो, so दोनों का data type same होना चाहिए, ये optional है. अब देखते हैं, refresh करता हूँ. so यहाँ पे dot dot parenthesis space आया है. okay, प्रतीक मतलब प्रतीक का data है अंदर. okay, so यहाँ पे पूरा magic है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे models dot py में fields हैं, which is first, last name, age, वो सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं. ओके, सो ये पाइथन की स्मार्टनेस है, वो कैसे एडमिन सेक्शन मॉडल्स डॉट पी वाई आर डेटा कन्वर्ट कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे इनपुट फील्ड हमें बाय डिफॉल्ट मिला हमने ये, और सी दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बढ़ाने का जो मिला है, इंक्रीज करने का मिला है, वो मिला है पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर फील्ड से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आप अगर जेंगो से रेस्ट एपीआई बनाते हो आगे चल के जेंगो डीआरएफ की मदद से, उसमें भी सेम बिहेवियर है. आपको इससे ही पहचानना पड़ता है कि वहाँ पे चार फील्ड वगैरह लगी है और यहाँ पे इंटीजर मतलब यहाँ नंबर है. यहाँ पे मैं ए बी सी डी में नहीं टाइप कर पा रहा, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा. ओके, सो ये उस स्मार्टनेस है. मॉडल्स डॉट से आप जो भी कॉल करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कैसे इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, क्रिएट, वेट, अपडेट एंड डिलीट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एट माई फोन हो.